सनशाइन हॉस्पिटल दुई वर्षर हॉस्पिटल किंतु दुई वर्ष भितर आम बहुत प्रोग्रेस करछु। एबे टाइम्स ऑफ इंडिया रो जो अवार्ड अछि सेतिरे बेस्ट एमर्जिंग न्यूरोसाइंस हॉस्पिटल आम हॉस्पिटल को मिली छि। आम न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी रे बहुत नुआ नुआ ट्रीटमेंट करछु, जेमिति कि आमर डॉक्टर आत्मरंजन बाइपोटल एंडोस्कोपी जोटा कि माने इंडिया रो ईस्टर्न इंडिया रे फास्ट हॉस्पिटल जोटी आम बाइपोटल एंडोस्कोपी करछु सर्जरी करछु। एवं बाहर सब फॉरेन डेलीगेट्स आसिकी जो मान कि एठी आसिकी आपण मानकर समस्ते सिखिकी जाउछन, जो सिखिकी जाई कि से माने बाहर जे साउदी अरब लक्जमबर्ग बहुत बाहर पिला माने आछन्ती सब एठी ट्रेनिंग नै कि डॉक्टर आत्मरंजन दास अंडर रे ट्रेनिंग नै कि बाहर जाई कि ऑपरेशन करछन, जोटा हमरा ओडिसा पई माने गर्वर विषय। आउ आमे माने भी न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजी रे आम डिपार्टमेंट रे आमे अत्याधुनिक माने अल्ट्रा मॉडर्न ट्रीटमेंट भी करछु, जोटि कि हमर एमआरआई मशीन अछि। हमर एबे रिसेंटली आमे न्यूरो इंटरवेंशन भी प्लान करछु आगु करबु, जोटा कि ओडिसा रे गोटे कि दुटा हॉस्पिटल रे मात्र अवेलेबल अछि। आउ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट रे डॉक्टर ब्रिगेडियर डॉक्टर पीके साहू डॉक्टर आत्मरंजन दास एवं डॉक्टर रोशन साहू तीन जन जाक समस्त एम्स न्यू दिल्ली रु ट्रेन डॉक्टर से माने अल्ट्रा मॉडर्न जो ऑपरेशन ओडिसा रे आगुरु संभव होनतला से ऑपरेशन एबे ओडिसा रे करी होची। जो माने जो ऑपरेशन पई लोक माने हैदराबाद बेंगलोर कि बॉम्बे दिल्ली जाउतले से ऑपरेशन हम ओडिसा रे आज करि पाछु बहुत सुलभ मूल्य रे करूछु। तनो डॉक्टर आत्मरंजन किछ कहबे विषय हमें गोटे नेशनल लेवल वर्कशॉप करथुलु, आपण मान जानिछंती सनशाइन हॉस्पिटल इज वन ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी। तो एठी आमे गोटे नुआ सर्जिकल ट्रीटमेंट करू, दैट इज नोन एज लेजर स्पाइन सर्जरी बा बाइपोर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। आगुरु बहुत गुड़ा एंडोस्कोपिक टेक्निक अछि पुराना जेनरेशन, दिस इज द फोर्थ जेनरेशन ऑफ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। आधेरे एंडोस्कोप द्वारा आपण कौनसी भी स्पाइन रो प्रॉब्लम जमी फ्रैक्चर होगा टीबी होगा स्पाइन बा डिस्क प्रॉब्लम होगा केनाल स्टेनोसिस होगा सीआरटिका रोग एसबू कंडीशन आम लेजर मध्यम दुटा छोट होल द्वारा आम एंडोस्कोपिक सर्जरी कर पेसेंट यार आडभांटेज है पेसेंट आम बहुत कम 5 mm मानने अधा सेमिटर इनसीजन अपरेसन हो जाए अपरेसन पर बिना बेहोस कर अपरेसन कराए अपरेसन पर दु तीन घंटा पर पेसेंट मैंने चलाबुला करते नेक्स्ट दिन से डिस्चार्ज हो जाती। इंडिया में बहुत कम डक्टर ये टेक्निकटा करती, आई एम वन ऑफ देम जी टेक्निक कर बहुत मोर देन 200 केसेस आम टेक्निक्रे सारे तो से इंडिया रो बहुत जगह रो देर आर 30 डेलीगेट्स वाज कम ऑल आर न्यूरो सर्जन्स और स्पाइन सर्जन्स वाज कम ओवर टू सनशाइन हॉस्पिटल ट्रैवल लॉन्ग वे एंड लर्न दिस टेक्निक। आज सका 8 बजे स्टार्ट होता आम आज दुईज पेसेंट को बाइपोर्टल एंडोस्कोपी मध्यम ऑपरेशन कर डेमोनस्ट्रेट करूँ केमती सर्जरीटा कराए कौ मध्यम कराए आ टेक्निकली केमती बिकज ये टेक्निकली डिफिकल्ट तो अंडरस्टैंड करा पड़ो गोटे दिन तो पूरा अंडरस्टैंडिंग हेनी बट एटलीस्ट बेसिक ऑफ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बाइपोर्टल स्पाइन सर्जरी मध्यम आज कहला तो से लर्न कले तो आई होप कि स्टेट को बैक जी दे कैन स्टार्ट देयर सर्जरी एज सुन एज पॉसिबल आर स्टेट पेशेंट मैंने यार फायदा नहीं पारे जमी आम स्टेट पेशेंट मैंने फायदा नौकर स्टेट्रे बहुत जन आंध्रा आसते कि जो वाइजाग्रु आसते सम पीपल आर फ्रम दिल्ली सम पीपल आर फ्रम बैंगलोर मेनी आर फ्रॉम हैदराबाद सो समस्ते आसिक दे गॉट ट्रेन फॉर बाइपोर्टल एंडोस्कोपी सर्टिफिकेशन भी दिहला एंड होपफुली जाएंगे स्टेट स्टार्ट करें। आगुरी आम बहुत जन को दिस इज ए इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर बाइपोर्टल एंडोस्कोपी बर्तमान आम पाखे जन साउदी अरब रु डॉक्टर अच्छा जी 15 दिन है ये रही सीखुं लास्ट थरक जर्मनी और इराक रु आसते दे ऑल्सो हाव ट्रेन फॉर दि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी आगुरी मलेशिया भी आसते सो दिस इज वी शुड बी प्राउड कि आम भुवनेश्वर भाया जगह सनशाइन हॉस्पिटल भाया जगह बाहर देश बाट ट्रावेल करके लोक मैंने ये सर्जरी शिखा को आसने से एडवांस ना कहीं आसते तो दिस सर्जरी इज वेरी एडवांस आम स्टेट पेशेंट मैंने यार लाभ नहीं पारे बाहर स्टेट पेशेंट मैंने लाभ नहीं पारे आम इंडिया जहाँ पेशेंट मैंने यार बहुत उपकृत हो पारे।